वट इज कीमैन इंश्योरेंस कीमैन इंश्योरेंस क्या होता है कीमैन इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट किन ऑर्गेनाइजेशन किन बिज़नेसेस और किन व्यापारों को होती है कीमैन इंश्योरेंस के क्या एडवांटेजेस हैं और कीमैन इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए फ्रेंड्स so, आज के इस वीडियो में हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे की मैन इंश्योरेंस के बारे में सो so, नमस्कार दोस्तों मेरा नाम दीपक जैन है और मैं हूं फाउंडर इन्फिनिटी गेन्स एलएलपी। तो आइए हम डिस्कस करते हैं की मैन इंश्योरेंस के बारे में सो so, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज की मैन इंश्योरेंस की की मैन इंश्योरेंस क्या होता है कीमैन इंश्योरेंस इज लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी दैट अ कंपनी परचेज इज ऑन द लाइफ ऑफ एन ओनर अ टॉप एग्जीक्यूटिव और अनदर इंडिविजुअल कंसीडर्ड क्रिटिकल टू द बिजनेस द कंपनी इज द बेनिफिशियरी ऑफ द पॉलिसी एंड पेज द प्रीमियम सो की मैन इंश्योरेंस एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जो कि कंपनी परचेस करती है या तो बिजनेस के ओनर के लिए या वो एक टॉप एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं या और कोई भी ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो कि उस बिजनेस के लिए बहुत क्रिटिकल हैं। द कंपनी इज द बेनिफिशियरी ऑफ द पॉलिसी एंड पेज द प्रीमियम सो की मैन इंश्योरेंस के अंदर कंपनी जो है वो बेनिफिशियरी होती है इसका मतलब ये होता है कि बहुत सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करें मान लीजिए कोई एक बिजनेस है और उस बिजनेस को चलाने वाले या तो वो डायरेक्टर हो सकते हैं या ओनर हो सकते हैं या कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं कि जिसके अंदर कोई स्पेशलाइज्ड स्किल है उसके लिए उस पर्सन के लिए की मैन इंश्योरेंस परचेज किया जाता है ये एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है और इसमें कंपनी जो है वो प्रीमियम पे करती है और कंपनी ही बेनिफिशियरी भी इसमें होती है यानी कि इन केस अगर उस पर्सन को कुछ होता है तो प्रीमियम भी कंपनी को जो उसका क्लेम है वो भी कंपनी को ही रिसीव होता है तो आइए फर्दर डिस्कस करते हैं की मैन इंश्योरेंस को

people with specific skills etc. so key man तो key man man business business person होता है कि जो कि बहुत ही एक क्रूशियल और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो ये डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी में से भी कोई हो सकता है या आप मान के चलिए कि जो अगर कोई प्रोजेक्ट है तो उस प्रोजेक्ट का जो मैनेजर है वो भी हो सकता है और कोई ऐसा पर्सन जिसके पास कोई स्पेसिफिक स्किल्स हैं वो भी ये पर्सन हो सकता है सो कुल मिला बहुत सिंपल शब्दों में अगर बात करें तो ऐसा कोई भी पर्सन जिसके ना होने की कंडीशन में बिजनेस को इम्पैक्ट आएगा वो इम्पैक्ट किसी भी तरीके का हो सकता है फाइनेंशियली भी और स्किल्स का भी सो so, ऐसे पर्सन का जो इंश्योरेंस किया जाता है उसको की मैन इंश्योरेंस बोला जाता है और उस पर्सन को आ, हम की मैन बोलते हैं आइए फर्दर डिस्कस करते हैं की मैन इंश्योरेंस के एडवांटेजेस यानी कि अब हमने ये समझ लिया की मैन होता कौन है बिजनेसेस के अंदर अः ये की मैन इंश्योरेंस लिया जाता है अब की मैन इंश्योरेंस लेने के एडवांटेजेस क्या होते हैं सो आइए इसको समझते हैं की मैन इंश्योरेंस ऑफर्स अ फाइनेंशियल इफ द लॉस ऑफ अ सर्टेन इंडिविजुअल वुड प्रोफाउंडली नेगेटिवली अफेक्ट द कंपनीज ऑपरेशन द डेथ बेनिफिट एसेंशियली बाइज द कंपनी टाइम टू फाइंड अ न्यू पर्सन और टू इंप्लीमेंट अदर स्ट्रैटेजीज टू सेव और शट डाउन द बिजनेस सो की मैन इंश्योरेंस अपने आप में आ, किसी भी बिजनेस को को एक फाइनेंशियल क्वेश्चन प्रदान करता है यानी कि उस पर्टिकुलर की मैन पर्सन के ना होने पर जो भी फाइनेंशियली लॉसेज होंगे अः उस लॉसेस से बचाने के लिए आ, या फिर बिजनेस को बिल्कुल शटडाउन होने से बचाने के लिए की मैन इंश्योरेंस फायदेमंद होता है और अगर जो भी उस पर्सन के ना होने की कंडीशन में जो भी फाइनेंशियल अमाउंट रिसीव होता है की मैन इंश्योरेंस से उससे उस, उस बिजनेस को कुछ समय मिल जाता है ताकि सेम टू सेम उसके जैसा एक पर्सन सर्च किया जा सके और जो समय मिलता है उस समय में बिजनेस को सेव किया जा सके और बिल्कुल बंद होने से बचाया जा सके बी इट अ स्मॉल बिजनेस और अ लार्ज कंपनी की मैन इंश्योरेंस प्रोवाइड क्वाइट अ फ्यू एडवांटेजेस तो चाहे बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो ये मैटर नहीं करता बट की मैन इंश्योरेंस जो है वो किसी भी बिजनेस में फायदेमंद साबित हो सकता है

हैंडलिंग डेप्थ एंड लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी और इवन सक्सेसफुल सेलिंग ऑफ द कंपनी मैन इंश्योरेंस सो एक एडवांटेज की हम बात यहाँ पर करते हैं वो ये कि अगर की मैन इंश्योरेंस है और इनकेस जो की पर्सन है जो या जो की मैन है उनकी आ, उनकी आ, ना रहने की कंडीशन में बिजनेस को प्रॉपर तरीके से हैंडल uh, किया जा सकता है uh, जो भी की uh, जो अमाउंट रिसीव होगा अगर मान के चलिए कंपनी के पास कोई डेप्ट है तो वो भी एक किए जा सकते हैं या कंपनी के जो लिक्विड फंड की जरूरत होती है बिजनेस को चलाने के लिए वो लिक्विड फंड की तरह भी यूज किया जा सकता है और अगर आने वाले समय में जरूरत महसूस हो तो कंपनी को प्रॉपर सेलिंग uh, के समय तक के लिए भी यूज किया जा सकता है वो फंड जो की मैन इंश्योरेंस से प्राप्त होगा द अमाउंट दैट कैन बी क्लेम्ड विद दिस पॉलिसी आल्सो सिक्योर एंड सेटल लोन्स ऑफर सैलरी कंटिन्यूएशन अरेंजमेंट्स टू द स्पाउस ऑफ द डिकीज एंड फंड एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन प्लान सो यहां पर हम बात कर रहे हैं की मैन इंश्योरेंस से जो भी अमाउंट अगर रिसीव होता है तो वो अमाउंट को किसी भी तरीके के लोन को सेटल करने के लिए भी यूज किया जा सकता है या जो पर्सन यानी जो की मैन पर्सन थे जो अब नहीं है उनके स्पाउस को uh, जो सैलरीज है उसको उनकी जो सैलरी है उसको पे करने के लिए भी उस अमाउंट को यूज किया जा सकता है और पर्टिकुलरली अगर बात करें तो किसी कंप्लीट uh, uh, जो ऑर्गेनाइजेशन है उस फंड को uh, चलाने में यूज किया जा सकता है So, keyman insurance is important, particularly for family businesses that are highly dependent upon a few individuals. It helps ensure that the business can absorb the financial strain of an early death and continue sustainable. The low cost and easy of securing a keyman insurance policy makes this very important business decision a simple one. इंश्योरेंस so, की अगर हम बात करें तो जरूरी नहीं है कि हम आ, अगर बात करते हैं बड़े बिजनेसेस की तो जो छोटे बिजनेसेस हैं या जो फैमिली बिजनेसेस हैं फैमिली बिजनेसेस में मैक्स मेनली जो होता है जो कुछ इंडिविजुअल जो डिपेंडेंट्स होते हैं उनके ऊपर इंडिविजुअल्स uh, होते हैं उनके ऊपर uh, जो फैमिली बिजनेस होता है वो डिपेंडेंट होता है तो वहां पर की मैन इंश्योरेंस को की uh, रिक्वायरमेंट को समझते हुए वहां पर की मैन इंश्योरेंस के लिए जरूर जाना चाहिए और बहुत ज्यादा कॉस्टली की मैन इंश्योरेंस नहीं होता बट uh, आने वाले समय में ये कंप्लीट बिजनेस को uh, एक सिक्योरिटी प्रदान करता है सो इंफिनिटी गेम्स एलएलपी हैज डेडिकेटेड टीम मेंबर्स हु हैव इन डेप्थ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ की मैन इंश्योरेंस सो आज फ्रेंड्स हमने आज के इस वीडियो में बात की की मैन इंश्योरेंस के बारे में और जैसा कि हमारे काफी सारे व्यूअर्स का बहुत रेगुलर रिक्वेस्ट uh, और डिमांड आ रहा है कि हम अदर देन टर्म मोटर एंड हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा भी बहुत सारा इंश्योरेंस uh, मटेरियल uh, हम आप लोगों के लिए लेकर आए सो so, उम्मीद है आज uh, हमने एक बिल्कुल नई शुरुआत की है की मैन इंश्योरेंस को लेकर तो आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपकी वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरीज हैं तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आप चाहते हैं अपने फ्रेंड्स रिलेटिव या ऐसे किसी बिजनेस को जानते हैं जहां पर की मैन इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज आप उनके साथ ये वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा सबसे इंपॉर्टेंट बात चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और फ्रेंड्स अगर आप लाइफ जनरल या हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं या अपने लिए या अपने परिवार के लिए एक लाइफ जनरल या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन पर लिखे हुए नंबर्स पर हमारी टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं सो फ्रेंड्स थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो थैंक यू